हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसटेट, सीटेट, नेट या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट ज्योग्राफी के एग्जाम में 2004 से और 2011 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 2012 में ज्योग्राफी की एग्जाम में जो थर्ड पेपर था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे। आप जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप करते रहिए, लेकिन अगर उसके साथ आप नेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं तो इससे आपका नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। आइए देखते हैं थर्ड पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती है किंतु निम्नतर स्थलाकृतिक स्तरों पर होती है और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित हुई है वे कहलाती है, तो ये कहलाती है नव अनुवर्ती। नेक्स्ट है, निम्नतम अपरदन तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये किया था पावेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि कौन सी सही है इनमें से या दोनों ही सही है। इसमें कथन है, गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढलान की प्रवणता तथा हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, निचले तल का तथा बर्फ की कम गहराई तथा घाटी की भित्तियों के साथ घर्षण के कारण वेग कम हो जाता है, ये भी सही है। तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या है, वो नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अपरदन चक्र संबंधित है, तो जो ये अपरदन चक्र है ये संबंधित है नदी अपरदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों के निम्नलिखित समूहों में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर दिया है, तो इसमें है पेगा, ब्लैक वेल्डर और जॉनसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भू आकृति में पुनर्यौवन का स्थलाकृतिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं है, तो इसमें जो साक्ष्य नहीं है वो है संरचनात्मक बेंच, बाकी ये तीनों है ये प्रमाण है, कटे फटे विसर्प, युग्मित घाटी वेदिकाएं और बहुचक्रीय घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची दी हुई है जिनको क्या आपस में सुमेलित करना है, तो ये जो लोयस है ये है वायु निक्षेप, जो हिमोड है वो है हिमानी निक्षेप, जो बंजर है वो है समुद्री निक्षेप और जो सिल्ट है वो है नदीय निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसमें जो ए है वो है ओजोन छिद्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है, तो ये गलत है। और जो सेकंड है वो है ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती है, तो जो ए आर है वो सही है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ता है, तो वो होते हैं पच्छाब, कपासी मेघ। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्योंकि वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी के जो तीन है वो सुमेलित हैं, कि फोन क्या होता है उष्ण शुष्क हवाओं का एल्प पर नीचे की ओर बढ़ना, मिस्ट्रल एल्प से फ्रांस के ऊपर शीत हवा का बहना, और बोरा क्या है एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के सहारे अनुभव किया जाता शीतला पवन, ये सारी पवन के नाम दिए हुए हैं उनके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए डब्ल्यू चिन्ह किसका संकेत करता है, तो ये शो करता है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु को। नेक्स्ट है, हरिकेन में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हरिकेन की अक्षी परिधि में। निम्नलिखित में से झील माला या
पैटर नोस्टर की कौन सी विशेषता है? इसकी विशेषता होती है हिमनदीय सोपानों पर बनी झील। नेक्स्ट है, थानथ्वेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित की अवधारणा पर आधारित है। यह संभावी वाष्पन पार्श्वन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्वा वन है, ये होता है पृथुपर्णी सदाबहार वन। पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? ये कहलाता है गर्तस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो वो होते हैं पादप पलवक। नेक्स्ट है, लोनी मिट्टी किसका परिणाम होती है? ये होती है उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन। नेक्स्ट है, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र अनवरत और सतत होता है, यह कथन किस पर लागू होता है? यह लागू होता है वृष्टि में उष्ण कटिबंध पर। नेक्स्ट है, पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्नलिखित में पाया जाता है? ये पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वन में। नेक्स्ट है, लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ए है वो सही नहीं है, बी सी और डी है वो सही है। वर्षण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है गुरुत्वबल, हवाएं और लवणता तथा घनत्व से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। शेफर किसके पक्ष में थे? जो शेफर है वो वैज्ञानिक सामान्यीकरण के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो जो व्यवहारवाद है वो तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है, बाकी कार्य कारण सिद्धांत, संरचनावाद और प्रक्रियावाद, ये सभी तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। नेक्स्ट में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बुक के नाम दिए हुए हैं और ऑथर दिए हुए हैं, तो जो बी है वो सुमेलित नहीं है, बाकी ए सी और डी है वो सुमेलित है। तो विलियम बुंग, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? थ्योरिटिकल जियोग्राफी। डेविड स्मिथ, इन्होंने लिखी है ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। आर पिट, इन्होंने लिखे हैं मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट। जो सही नहीं दिया होता मैं वो नहीं बताती हूँ, क्योंकि उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है, तो जो सही होते हैं मैं सिर्फ वो ही बताती हूँ। जैसे ए सी डी ये और सही दिए हुए हैं, बी है वो सही नहीं दिया हुआ, तो मैंने बी है वो स्किप कर दिया। तो ये हो गया, मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? ये कथन माना जाता है हेरोडोटस का। निम्नलिखित में से किसने यह दलील दी है कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए? तो ये कहा है हेरोडोटस ने। ऐसे निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टोलमी की पुस्तक में सुधार किए हैं? तो ये किए हैं अल इदरीसी ने। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार निम्नलिखित में से क्या है? यह है प्रत्यक्षवाद। प्रतिमान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ये किया है कुहन ने। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे? ये करना चाहते थे हम्बोल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? तो ये दिया है जेफरसन ने। नेक्स्ट है, मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ये की है गोल्ड एवं व्हाइट ने। नेक्स्ट है, द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? ये की है वेन डीका ने। नेक्स्ट है, आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? ये होती है 20 से 24 वर्ष में। भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो ये मुख्य कारण है रोजगार। किसने दलील दी है कि बहुकेंद्र या केंद्र नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार थे? ये दी है हैरिस एवं उल्मान ने। राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रमुख नगर।
बर्गेस मॉडल में भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, कर्मकार गृह क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र। नेक्स्ट, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त 1 लाख जनसंख्या निरूपित करता है, तो 4 लाख जनसंख्या निरूपित करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वो होगी 2 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह औद्योगिक भूदृश्य के नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सी बाजार अवस्थिति इष्टतम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो इसमें होता है खेतों का चक्र। स्वतंत्र उद्योग वो होते हैं जिनके लिए परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची दी हुई है, इनको सुमेलित करना है। तो जो मलेशिया है, ये है किसके लिए फेमस? चीनी के लिए। ब्राजील अनानास, क्यूबा रबर और हवाई कॉफी। नेक्स्ट है, कुलटी बर्नपुर तथा हीरापुर में लोह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में सम्मिलित किया गया है जिसका नाम है, तो इन सब को सम्मिलित करके जो एक बनाया गया उसका नाम है भारतीय लोह एवं इस्पात कंपनी। धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं, वो है अधिक जनसंख्या घनत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है जिनको की सुमेलित करना है। तो जो नगरीकरण है वो क्या है? कुछ अधिवास आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की लागत पर विकसित होते हैं। उपनगरीकरण, अभिगमक पट्टी नगरीय मूल की लागत पर विकसित होती है। विनगरीकरण, ये है नगरीय सार भाग में जनसंख्या हानि कंप्यूटर पट्टी के जनसंख्या लाभ से अधिक होती है। और पुनर्नगरीकरण, ये है सार भाग में जनसंख्या हानि की दर क्रमशः कम होती है या सार भाग में जनसंख्या बढ़ने लगती है। किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है आपको सही से समझ में ना आए, तो जब आपके पास एग्जाम में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम होते हैं, तो आप इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कई बार हिंदी की जो हिंदी में टफ दिया हुआ होता है वो इंग्लिश में समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, प्रवास के परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये ए बी और सी तीनों ही कथन सही है। प्रवास के फलस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया में से जुड़े 2 क्षेत्रों का जनसंख्या संसाधन संबंध काफी बदल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों को प्रवासित करने वाले लोग खुली जगह, ताजी हवा और उच्चतम आवास गृह के अभाव में कष्ट भोगते हैं। नव क्षेत्रों में उत्प्रवासियों की आहार आदतें भी बदल जाती है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक खंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था से। निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये संबंधित नहीं है। बाकी नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और स्थानिक ढांचा सरल है। उसका मुख्य व्यवसाय है, तो उनका मुख्य व्यवसाय है खेती करना। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है? तो इनमें सबसे बड़ा है सांस्कृतिक परिमंडल। नूतन सीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत जिन 3 अवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित होती है उसका सही अनुक्रम बताइए। तो वो है परिसीमन, सीमांकन, नियतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मान्यतः सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? तो इसमें जो अपराध है वो सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। निर्यात आधारित मॉडल के समर्थक कौन थे? तो ये थे नॉर्थ। कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है, इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए? तो ये है झेलम नदी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो राज्य है केरल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया है? यह है अरुणाचल प्रदेश में।
भारत में लौह अयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है? वो आता है झारखंड और उड़ीसा से। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक बंध्याकरण जनसंख्या नीति किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? ये लागू की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रभावित क्षेत्र है, वो है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो वो है पंजाब का मैदान। बाकी पश्चिमी घाट, दक्षिण पठार और मध्य प्रदेश, ये सभी अरब सागर शाखा द्वारा प्रभावित होते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र पर विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है? तो ये की जाती है केवल केवल स्पॉट हाइट, केवल बेंचमार्क, केवल त्रिभुजीकरण बिंदु, तो इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है, ये है जम्मू कश्मीर में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? तो ये है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है, यदि ए बिंदु समुद्र तल से 230 मीटर तथा बी बिंदु 570 मीटर ऊंचा है और दोनों के बीच क्षैतिज तुल्यता 2.0 किलोमीटर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच निम्नलिखित प्रवणताओं में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 17.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सूची दी हुई है, सैटेलाइट दिए हुए हैं और कौन से देश ने लॉन्च किया ये दिया हुआ है। तो जो पहला है इसमें स्पोर्ट ये किया था, फ्रांस ने लॉन्च किया था इसको, गोल्स इसको किया था यूएसए ने, और मेट्योर 3 इसको किया था रशिया ने, और इनसेट को किया था भारत ने। नेक्स्ट है, मानचित्र पर नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त नहीं है? तो इसमें जो हैशूर है वो तकनीक उपयुक्त नहीं है, बाकी वृत्त का भी यूज किया जा सकता है, विभाजित वृत्त और गोला, इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सी है वो सही नहीं है, ए बी और डी ये तीनों सही है। समोच्च रेखीय मानचित्र सममान रेखा मानचित्र है, सममान रेखा एक समान मान की रेखाएं हैं और सममान रेखा तकनीक सतत आंकड़े के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो फर्स्ट है, मरुस्थल कच्छ तथा पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या के नकारात्मक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति श्रेष्ठ पद्धति है। तो ये दोनों ही सही है। बिंदु पद्धति को आयु तथा लिंग अनुपात दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये सही नहीं है, और बिंदु मानचित्र को सममान रेखा मानचित्र में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही है, जो थ्री है ये सही नहीं है। वितरण में असमानता दर्शाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त है लोरेंज वक्र। आंकड़ा समुच्चयन 0, 50, 100, 150, 250, 450 और 500 का सही ज्यामितीय माध्य क्या है? तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0। ये सन 2012 में नेट ज्योग्राफी के थर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उसमें जो सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप एसटेट, सीटेट, नेट या ऐसे ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।